नमस्कार, अजय की तरफ से सब अवधि भाषा प्रेमियन का हम हाजिर हो गए मीडिया डिक्शनरी के एक नए टर्म के साथ। और ये नया टर्म है मास कल्चर। जी हाँ, मास कल्चर का मतलब कि जो मास मीडिया जो कल्चर का बढ़ावा दे या जो उन कल्चर का पैदा किए वही कहा होता है मास कल्चर। अब यह सवाल उठी कि भाई जो संस्कृति है वो तो समाज से पैदा होती, इनमें मीडिया कहाँ से घुस गया? नहीं, ये सही है कि संस्कृति और समाज का रिश्ता है, तो उतना गहरा रिश्ता मीडिया और समाजों का है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये मास मीडिया के आए के बाद जैसे जो कल्चर ज़्यादा बढ़ा, जो संस्कृति ज़्यादा बढ़ी, अब जैसे शॉपिंग मॉल जाए का कल्चर ले लो, रॉक म्यूजिक पॉप म्यूजिक सुने कल्चर ले, टीवी देखे कल्चर ले, ऑनलाइन गेम चले आए वह एक कल्चर बन गया। तो यह जो कल्चर है एक नया कह दे यह होगा मास कल्चर। और पहले देखो कि जो साहित्य संगीत कला रही है यह विशेष लोगन के लिए रही, खास समाज का जो तबका रहत रहा जेका बड़े लोग कहत रहे उनकी यह चीज़ रही है, या तो फिर दरबार की तरफ से प्रसय मिलत रहा संगीत का नृत्य का, राजा नवाब और सरदार जमींदार इनकी तरफ से रहत रहा, तो वह थोड़े लोगन तक सीमित रहा। मास मीडिया का सबसे बड़ा देन यह है कि वह कल्चर का वो आम आदमी तक पहुँचाए कि टेलीविज़न के माध्यम से और टेप रिकॉर्ड के माध्यम से बड़े बड़े जो गवैया हैं उनके गाना सुन सकत है, उनका डांस देख सकत है। पहले यह संभव नहीं रहा, भाई दरबार में कहाँ आदमी घुसे पावत रहा, दरबारी मार के लटिया देते रहे। तो यह जो मास कल्चर है ये मास मीडिया की देन है। और फिर उसके बाद में लपक लिहिन मार्केट, देख इनके में मुनाफा है तो मार्केट लपक लिहिस। यह जो कल्चर आवा नवा वाला यही का मास कल्चर कहा थे। तो हम जल्दी फिर हाजिर हो एक नए टर्म के साथ। नमस्कार।